स्टूडेंट्स हमने डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं चैप्टर, हमने स्टार्ट किया था बिफोर स्टूडेंट डेवलपमेंट, बिफोर होली से पहले हमने डेवलपमेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था। डेवलपमेंट चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे, पर कैप्टन का भी यूज किया था। अब हमें देखना है डेवलपमेंट में हमें चैप्टर है उसके लिए हमने पढ़ा था कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हमें पढ़ना है कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट से जो कॉम्पोनेंट्स हैं जो जो पार्टिसिपेट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सा काम करते हैं वो देखना है। नंबर वन है लॉन्गिविटी, तो लॉन्गिविटी लॉन्गिविटी मीन्स हमारे पास देखना है लाइफ जो है ना, लाइफ कितने ईयर की हमारे पास, जो हम कितना कितने साल तक हम जिंदा रह सकते हैं, कितना है एवरेज जो लाइफ है वो कितनी है। तो इंडिया के अंदर कितना है, इंडिया के अंदर है 65 ईयर्स, इंडिया के अंदर कितना है 65 ईयर्स एवरेज लाइफ है कि पहले साल तक आदमी जी सकता है, जिंदा रह सकता है। अगर हम बात करें जापान की, कंपेरिजन करें जापान एक जो है डेवलप कंट्री है, तो जापान के अंदर कितना है 70 ईयर्स, कितना है 70 ईयर्स, ये चीज आती है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, अगर जिस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बोल सकते हैं, लॉन्गेविटी भी अच्छी होती है, तो उतना ही कंट्री जो है डेवलप होता है। ऐसे ही हमारे पास एक पार्ट आता है एजुकेशनल अटेनमेंट, इट मीन्स इसका मतलब है लिटरेसी से, लिटरेसी कितनी है हमारे पास, लिटरेसी रेट क्या है, तो लिटरेसी रेट के ऊपर डिपेंड करता है ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर, ये भी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है किसके ऊपर, एजुकेशनल अटेनमेंट के ऊपर। और रियल पर कैपिटा इनकम वही केवल रियल पर कैपिटा इनकम, जो पहले भी हम टॉपिक इसको बोल बता चुके हैं आपको, पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन अपॉन सॉरी टोटल इनकम, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, इससे हम क्या निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। तो इसी तीन चीजों को मिला करके अगर हमारी इनकम अच्छी है, किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम अच्छी है, तो कंट्री क्या डेवलप होगी, अच्छे से प्रोग्रेस करेगी। अगर इसी चीज के देखें तो ये बनता है हमारे पास HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए तीन चीजें कंपल्सरी है, एजुकेशन भी होनी चाहिए, स्वास्थ्य लॉन्गेविटी होनी चाहिए, रियल पर कैपिटा इनकम भी होनी चाहिए, थ्री कॉम्पोनेंट्स आर नेसेसरी, तीन कॉम्पोनेंट जो है मच नेसेसरी है इसके लिए HDI के लिए, तीनों के तीनों कंपल्सरी है। अब देखिए हमारे पास अगर कंपेरिजन करें HDI में श्रीलंका का जो HDI है यानी ह्यूमन ये है तो बेटर है, किससे बेटर, इंडिया से बेटर है, क्योंकि वो स्मॉल कंट्री है, पॉपुलेशन क्या है कम है वहां पे, तो इसलिए जो है ग्रोथ भी अच्छी है। अभी आप देखिए श्रीलंका का एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, श्रीलंका ने कहा था कि हम 2022-23 तक मलेरिया को अपनी कंट्री से फ्री कर देंगे, लेकिन उन्होंने 2020 में खत्म कर दिया है, यानी दो साल पहले मलेरिया को बिल्कुल खत्म कर दिया है उन्होंने, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है और सिस्टम भी जो है अच्छा है, हमारे यहाँ पे जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जिसके इसका ही रीजन है कि हम HDI में बहुत पिछड़े हुए हैं। कंपेरिजन जो है पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश भी हमारे से ज्यादा दूर नहीं है, बांग्लादेश भी जो है हम क्या 130 पर आते हैं और बांग्लादेश कितने पर आता है 136 पे आता है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखिए आप, तो HDI जिस कंट्री का अच्छा होगा वो जो है डेवलप करता है, ये चीजें आती है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम प्रोग्रेस करते हैं, डेवलप करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं डेवलपमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्योंकि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रेजेंट फ्यूचर को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, प्लस उनको लाइफ में जो है दिक्कत ज्यादा होगी, तो उनको प्रेजेंट और फ्यूचर में ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है डेवलपमेंट करना है, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसी के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन किसको कर रहे हैं, जितना भी हमारे पास नेचुरल गैस है कोल है सबको हम खत्म करते जा रहे हैं, फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा नहीं, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक वर्ड आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, जो इंसान जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करने के लिए क्या करता है, मैक्सिमम
मैक्सिमम जो है मिसयूज कर रहा है, इसका रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहा है ओनली। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सोशल डेवलपमेंट भी करना है, तो उसको ध्यान में रखते सोशल डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना ही है, क्योंकि हमें जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है, ओवरटेक प्रोग्राम चलाने हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलाने हैं, तो इस वजह से जो है हमें इकोनॉमिक ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें जो है फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम पर्यावरण और फ्यूचर को ध्यान में रखते हैं। फिर अब देखिए फीचर कौन कौन से हैं। नंबर वन, एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमें जो है एफिशिएंट यूज होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का, एफिशिएंट यूज होना चाहिए, यानी बेतहाशा जो हम मिसयूज कर रहे हैं उसको हमें रोकना है। नो रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है फ्यूचर जनरेशन के, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती जा रही है। देयर आर सो मेनी डिजीज, पहले जो डिजीजें थी अब हर आदमी के अंदर डिजीज है, तो किसकी वजह से, वो स्मोक फूल जो आ रहा है, हम जो रिफाइंड ऑयल कर रहे हैं, सब कुछ जो नहीं, इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उससे फ्यूचर जनरेशन जो है खतरे में है, डेंजर जोन में, तो इसको हमें बचाना है, तो इसको हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी पड़ेगी। ठीक है ना। नो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन में इंक्रीज नहीं होगा, पॉल्यूशन में नहीं होगा, और डज नॉट लिमिट डेवलपमेंट, हमें नहीं चाहते कि हम लिमिट में डेवलपमेंट दीजिए, डेवलपमेंट तो पूरा होना चाहिए बट वो सस्टेनेबल होना चाहिए, देखना चाहिए, अगर हमें पेड़ काटे तो उतने पेड़ लगने भी चाहिए हमारे पास, तभी वो कहलाता है। ये चीजें आती है बेटा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होगा। अब इसके बाद हमारे पास होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, इसको हम कंपेरिजन करते हैं वेट अपॉन हाइट से, वेट अपॉन हाइट से बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स निकलता है वेट अपॉन हाइट, और ये होता है 18.5 to 25 तक जो इसका लोमेरल है, 18.5 से कम है, अगर लेस देन 18.5 से लेस है तो वो बहुत ही वीक कहलाएगा, उसके अंदर नॉइज स्ट्रेंथ की कमी होगी। ठीक है ना। अगर 25 से ज्यादा है, इससे ज्यादा मैक्सिमम होगा, तो कहलाएगा ओबेसिटी, ओबेसिटी में मोटापा है, एक्सेस है। ठीक है ना। ये चीजें, और आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है बेटा। ओके, थैंक यू। आप पहले चैप्टर है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है बेटा फिर आप पूछ सकते हैं। ओके।